चलो दोस्तों, यहाँ पर हम बात करने वाले हैं RRC ग्रुप डी के एग्ज़ाम के बारे में, जिसमें यहाँ पर लेवल वन में जो कि CBT टेस्ट होने वाला है, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है, उसके सिलेबस के बारे में यहाँ पर हम बात करेंगे। तो वैसे जैसे कि आप एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में जानते ही होंगे, इसमें जनरल साइंस के 25 क्वेश्चन, मैथमेटिक्स के 25 क्वेश्चन, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के 30 क्वेश्चन, और अवेयरनेस यानी कि करंट अफेयर्स के जो है वो 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इस तरीके से यहाँ पर जो है टोटल आपके 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसका एग्ज़ाम यहाँ पर 1.5 आवर तक यानी कि 90 मिनट्स तक चलेगा। इसके अलावा यहाँ पर मैं आपको ये भी एडिशन में बता दूँ कि इस एग्ज़ाम में नेगेटिव मार्किंग भी है, तो यहाँ पर आपको हर एक क्वेश्चन जो है वो ध्यान से करना होगा, यानी कि आपको वही क्वेश्चन करने हैं, अटैम्प्ट करने हैं जो आपके अच्छे से आते हैं, ताकि नेगेटिव मार्किंग में आपके नंबर ना घटें। इसमें जो है 1/3 जो है नेगेटिव मार्किंग आती है। इसके अलावा यहाँ पर जो है मिनिमम जो यहाँ पर एलिजिबिलिटी है इसकी, यानी कि पास होने की, इसमें यहाँ पर आपको दिया हुआ है जनरल के लिए 40%, EWS के लिए 40%, OBC नॉन क्रीमी लेयर के लिए 30%, SC और ST के लिए 30%। इस तरीके से यहाँ पर जो है कम से कम ये एलिजिबिलिटी है जिसमें आप पास हो सकते हैं। अब क्वेश्चन के टाइप और सिलेबस जो है वो किस तरीके का होगा, यहाँ पर मैं आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही आपको क्लियर बता दूंगा। तो जैसे कि यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, आपको मैथमेटिक्स और यहाँ पर इसके अलावा और भी जो सब्जेक्ट हैं उसके सबके लिए सिलेबस यानी कि चैप्टर के नाम दिए हुए हैं। सबसे पहला है नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति, उसके बाद बोर्ड मास रूल है, आप जानते ही होंगे बोर्ड मास रूल में यहाँ पर जो है वो ब्रैकेट ऑफ डिवाइड मल्टीप्लाई एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, ये बोर्ड मास का यहाँ पर फुल फॉर्म हो जाता है। डेसिमल्स यानी कि दशमलव, फ्रैक्शंस, भिन्न, LCM और SCF भी आप जानते ही होंगे, रेशियो एंड प्रोपोर्शन यानी कि अनुपात समानुपात, परसेंटेज यानी कि प्रतिशत, मेंसुरेशन यानी कि क्षेत्रफल और आयतन के क्वेश्चन आते हैं इसमें, टाइम एंड वर्क यानी कि समय और कार्य, टाइम एंड डिस्टेंस यानी कि समय और दूरी, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि साधारण और जो है चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में यहाँ पर बात कर रहा है। उसके बाद आ जाता है प्रॉफिट एंड लॉस यानी कि जो है लाभ और हानि, एलजेब्रा में यहाँ पर आप जानते होंगे बीजगणित के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ज्योमेट्री एंड ट्रिग्नोमेट्री के बारे में भी आप अच्छे से जानते ही होंगे। इसके अलावा नेक्स्ट आ जाता है एलिमेंट्री स्टैटिक्स यानी कि संख्या पद्धति, सॉरी सांख्यिकी। इसके अलावा है नेक्स्ट यहाँ पर स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट के साथ में यहाँ पर आप क्यूब रूट को भी शामिल कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर दोनों के ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो स्क्वायर रूट यानी कि वर्गमूल। उसके अलावा एज कैलकुलेशन यानी कि आयु की गणना करना, कैलेंडर एंड क्लॉक यानी कि यहाँ पर कैलेंडर और क्लॉक यानी कि समय के ऊपर जो है वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें आ जाएंगे। उसके अलावा यहाँ पर जो है वो पाइप्स और सिस्टर्न यानी कि पाइप और टंकी के बारे में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसके क्वेश्चन आएंगे। तो ये मेन मेन टॉपिक हैं जो कि यहाँ पर ग्रुप डी के सिलेबस में आपसे पूछे जाएंगे, इस सिलेबस में ऐसे यहाँ पर आपके क्वेश्चन बनेंगे इसका मतलब है। और इसके अलावा नेक्स्ट यहाँ पर आ जाता है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, इसमें ऐसे कौन कौन सा टॉपिक आएगा, तो पहला हो जाता है एनालॉजीज यानी कि सादृश्यता, दूसरा यहाँ पर हो जाएगा अल्फाबेटिकल एंड नंबर सीरीज यानी कि वर्णमाला और संख्या श्रृंखला, थर्ड हो जाएगा कोडिंग एंड डिकोडिंग यानी कि संकेतन और विसंकेतन, नेक्स्ट है मैथमेटिकल ऑपरेशंस यानी कि गणितीय अवधारणाएं, उसके अलावा यहाँ पर जो है वो रिलेशनशिप्स यानी कि यहाँ पर संबंध के बारे में, जैसे कि रक्त संबंध वाक्य क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फिर आ जाता है सिलोजिज्म यानी कि यहाँ पर आ जाता है न्याय, जंबलिंग, वेन डायग्राम यानी कि वेन आरेख, डाटा इंटरप्रिटेशन एंड सफिशियंसी यानी कि यहाँ पर हो जाएगा आंकड़ों का विश्लेषण और पर्याप्तता, नेक्स्ट है कंक्लूजन्स एंड डिसीजन मेकिंग यानी कि यहाँ पर हो जाएगा कथन और निष्कर्ष, यानी कि आपको कथन दिया हुआ होता है और उसमें उसी के आधार पर निष्कर्ष दिए होते हैं और फिर आपको उसमें से आंसर चुनना होता है, तो इस तरह के क्वेश्चन आएंगे। इसके अलावा सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस यानी कि समानता और असमानता, एनालिटिकल रीजनिंग यानी कि विश्लेषण तर्क शक्ति, क्लासिफिकेशन यानी कि वर्गीकरण, डायरेक्शंस यानी कि दिशा, स्टेटमेंट एंड आर्ग्यूमेंट्स, ये यहाँ पर हो जाएगा कथन और तर्क, और ये इस तरीके से हो जाएंगे एजम्पशन के बारे में भी यहाँ पर इसके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो ये यहाँ पर आपके जो है वो सिलेबस हो जाएगा। तो यहाँ पर स्टेटमेंट आर्ग्यूमेंट एंड एजम्पशन का यहाँ पर हो जाएगा कथन तर्क, और यहाँ पर जो जिसका दिया हुआ एजम्पशन का ये हो जाएगा पूर्व धारणा है, तो इस तरीके के यहाँ पर जो है वो टॉपिक होंगे जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग से। नेक्स्ट आ जाता है जनरल साइंस, इसके लिए मैं यहाँ पर पहले से ही बता दूँ कि यहाँ पर आप जनरल साइंस की अगर तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ पर केवल और केवल आप क्लास एट्थ नाइन्थ और टेंथ की यहाँ पर अगर आप बुक्स पढ़ लेते हैं NCERT की, तो भी ये बहुत ज़्यादा सफिशियंट होगा, यानी कि इसमें से ही लगभग लगभग 90% से ज़्यादा सिलेबस आपका कवर हो जाएगा, आपको बहुत ज़्यादा पढ़ने की इसमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके अलावा साइंस के साथ साथ मैं ये भी क्लियर कर दूं कि अगर आप यहाँ पर जो है वो हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, इसकी भी तैयारी कर रहे हैं तो भी यहाँ पर जो है वो ग्रुप डी के लिए 8, 9, 10th की बुक जो है वो सफिशियंट हो जाएंगी, इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो क्वेश्चन इसके ऊपर बनते हैं, जैसे कि मैं नेक्स्ट वीडियो में पेपर भी यहाँ पर जो है वो बना के डालूंगा, तो यहाँ पर आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा साथ में,
ताकि ये टॉपिक्स जो हैं वो आपके अच्छे से क्लियर हो पाएँ। तो यहाँ पर साइंस के बारे में बात करें तो यहाँ पर साइंस में से आपके जो है वो मेन टॉपिक रहता है फिजिक्स, केमिस्ट्री और लाइफ साइंस का, यानी कि कह सकते हैं कि बायोलॉजी का कुछ हद तक। और ये स्टैंडर्ड जो रहता है ये 10th स्टैंडर्ड का रहता है, यानी कि अभी मैंने आपको बताया। और ये यहाँ पर CBSE पहले से लिखा हुआ है, इसका मतलब है आपको NCERT की बुक से जो है वो तैयारी करनी चाहिए। यहाँ पर ये क्लियर कर दूँ कि 8th और 9th और 10th ये जो है बुक्स अगर पढ़ लेते हैं साइंस की, तो यहाँ पर आपके लगभग लगभग 90% से ज़्यादा यहाँ पर सिलेबस कवर हो जाएगा जनरल साइंस के लिए ग्रुप डी का। नेक्स्ट यहाँ पर बात करते हैं अब जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स की। तो जनरल अवेयर्स में यहाँ पर आपके जीके आ जाएगा, यानी कि जो है आपके टॉपिक्स हैं जीके के, जिसमें आपके इकोनॉमिक्स, पॉलिटी ये आ जाते हैं। इसके अलावा हिस्ट्री भी यहाँ पर शामिल हो जाएगी। तो ये जो टॉपिक है यहाँ पर, इसमें भी आप 8th, 9th और 10th की बुक्स अगर कर लेते हैं तो यहाँ पर ये आपके सफिशियंट होंगी। इससे ज़्यादा आपको करने की ज़रूरत नहीं है। कहने का मतलब ये है कि 11th और 12th की जो हिस्ट्री और पॉलिटिक्स की बुक हैं उसमें ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। तो यहाँ पर जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स के जो क्वेश्चन होते हैं वो आपके बेस्ड होते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी के ऊपर, जो कि करंट में यहाँ पर क्या क्या टेक्नोलॉजीज नई आई हैं उसके ऊपर क्वेश्चन बनते हैं। इसके अलावा स्पोर्ट्स में क्या हो रहा है करंट अफेयर्स में, कल्चरल क्वेश्चंस जो होते हैं वो पूछे जाते हैं। इसके अलावा पर्सनैलिटीज़, जो फेमस पर्सनैलिटीज़ हैं वो यहाँ पर, उसके बारे में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। जैसे स्पोर्ट्स में कोई फेमस पर्सनैलिटी है वो यहाँ पर किसने क्या जीता, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो आपके बेसिक रहता है इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स और हिस्ट्री, इसके ऊपर यहाँ पर जो है वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, जो कि आपके यहाँ पर बेसिक ही रहता है। बहुत ज़्यादा डिटेल के क्वेश्चन इसमें नहीं आते हैं। नेक्स्ट वीडियो में जब मैं यहाँ पर आपको पेपर बताऊँगा तो यहाँ पर वो भी पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे। तो इस तरीके का यहाँ पर जो है वो आपके टोटल 4 टॉपिक रहते हैं यहाँ पर, मैथ्स, रीजनिंग, साइंस और जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स के। तो इस तरीके से यहाँ पर जो है वो आपके टोटल 100 क्वेश्चन आते हैं 100 मार्क्स के, जिसमें आपको 1.5 आवर का टाइम दिया जाता है। उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट्स आपके अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। यहाँ पर हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम में यहाँ पर ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं रहा होगा। इसके अलावा जब आप यहाँ पर टेस्ट क्लियर कर लेते हैं, यानी कि आप यहाँ पर CBT आपका क्लियर हो जाता है, उसके बाद यहाँ पर आपका होता है फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, यानी कि PET। इसमें भी यहाँ पर हम बात कर लेते हैं, जैसे कि मेल और फीमेल के लिए यहाँ पर कैटेगरीज इसकी अलग अलग हैं। तो यहाँ पर मेल कैंडिडेट्स के लिए क्या है, यहाँ पर उनको यहाँ पर वेट कैरी करना होगा 35 किलोग्राम का, जिसमें यहाँ पर उनको 100 मीटर की डिस्टेंस कवर करनी होगी 2 मिनट के अंदर, यानी कि 2 मिनट में यहाँ पर 35 किलो का वेट उठाना है और उसको 100 मीटर में जो है वो डिस्टेंस 100 मीटर की डिस्टेंस तय करनी है। उसके बाद यहाँ पर जो है वो रन डिस्टेंस जो होगी यहाँ पर वो होगी यहाँ पर 1000, यानी कि 1 किलोमीटर की, जिसको यहाँ पर 4 मिनट 15 सेकंड में क्लियर करना होगा। ये यहाँ पर मेल के लिए है। उसके बाद फीमेल की अगर बात करें तो उनको वेट कैरी करना होगा 20 किलोग्राम का, जिसको यहाँ पर 100 मीटर में यहाँ पर उनको भी 2 मिनट में इस डिस्टेंस को कवर करना होगा। इसके अलावा यहाँ पर जो है वो 1000 मीटर्स की यहाँ पर डिस्टेंस, यानी कि कहने का मतलब है 1 किलोमीटर की डिस्टेंस 5 मिनट 40 सेकंड्स में फीमेल्स को जो है वो करनी होगी कवर। उसके बाद यहाँ पर जो है वो इस ये वाला टेस्ट होने के बाद यहाँ पर जो है अगर आप क्लियर कर लेते हैं तो उसके बाद यहाँ पर होता है मेडिकल और डॉक्यूमेंट वेरीफिकेशन। तो यहाँ पर ये सब होने के बाद यहाँ पर आपको ज्वाइनिंग मिल जाएगी, यानी कि ग्रुप डी में ज्वाइनिंग मिल जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ पर आपको इसके सिलेबस के बारे में और यहाँ पर जो है इसके CBT के बाद में जो पॉइंट्स होते हैं वो भी क्लियर हो गए होंगे। CBT के बाद में यहाँ पर आपके फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल टेस्ट होंगे, जिसमें यहाँ पर अगर आप परफेक्ट निकलते हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये टॉपिक्स आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। और भी यहाँ पर ग्रुप डी से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए या फिर और एग्जाम्स की तैयारी अगर आप कर रहे हैं उससे संबंधित जानकारी के लिए आप अपने इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक यू।